जैसे आज का सेशन हमारा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान के ऊपर, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आजकल के जो इकोनॉमिक हालात है पाकिस्तान के, उसके बारे में आपके क्या व्यूज है, जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है, जहां देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया है, हमारा जो पॉलिसी रेट है वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है, फिर डिवेल्यूएशन करेंसी की बहुत ज्यादा हो गई, और एक ओवरऑल एक जेनरिक एक केओस हम देखते हैं जनरल, उसमें नैब बाकी सारे इशूज के, बिजनेसमैन के इशूज, तो सर इस पर आपका क्या व्यू है? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इतने सारे यंग मेंबर्स को देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, और WMO को मैं मुबारकबाद देता हूँ, और खासतौर पर यूथ विंग और अरसलान और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस किस्म के प्रोग्राम्स को जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड आई थिंक ये बड़ी जो है वो हेल्दी इनिशिएटिव है, और इस किस्म के जो गैदरिंग्स हैं, इस किस्म की जो डिस्कशंस हैं, डेफिनेटली इसमें जो एक्सचेंज ऑफ व्यूज होंगे इससे तमाम को जो है वो ज़्यादा जो है वो बेनिफिट होगा, तो इस पर और इसी किस्म के और इनिशिएटिव्स पे जैसे हमें वेलकम एड्रेस में भी बताया गया, अशोक इस्मा जी बताया, अल्ताफ भाई ने भी बताया कि जो WMO है उसका मकसद ये है कि तमाम दुनिया से जो है वो मेमन लीडर्स जो है वो जमा होते हैं, और फिर उनका मेन काम ये है कि वो वेलफेयर के अंदर कंट्रीब्यूट करें, लोगों के वेलफेयर के लिए करें, और उसमें बताया गया कि एजुकेशन जो है वो सरफहरिस्त है, हेल्थ है, आई थिंक इसमें मुझे याद आता है कि रिहेबिलिटेशन की भी जो है वो इनिशिएटिव है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, खासतौर पर मुझे जो यंग लीडर्स टीम आई थी उन्होंने बताया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने कलीग्स के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज जो है उनके कैरियर के लिए अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में असिस्ट करें और उनको हेल्प करें, तो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा सेटअप है, और इसको हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सपोर्ट करें, और इसी तरह मैं समझता हूँ कि हमारे जो लोग हैं जिन्होंने वक्त गुजारा है, जिन्होंने जो है वो अपना तजर्बा हासिल किया है, वो तजर्बा अपने यंग जनरेशन को किस तरह जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, जो आपका सवाल है उस सिलसिले में मैं कहूँगा सबसे पहली बात तो हमें इस बात को जो है वो पर यकीन होना चाहिए कि पाकिस्तान इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतने वसाइल दिए हैं, और मैं अक्सर ये कहता हूं कि जो अल्लाह ताला को देने की चीजें हैं अल्लाह ताला ने सब दी है हमको, हर चीज जो है दी है हमें, चार मौसम हैं, हमारे समंदर हैं, हमारे दरिया हैं, पहाड़ हैं, और हमें हेल्दी जो है वो पॉपुलेशन है, सब कुछ जो है, और हमारी मादनियाती दौलत बेतहाशा पाकिस्तान में जो है वो मौजूद है, जिस चीज की कमी रही है और वो ये है कि हमारे यहाँ मैनेजमेंट जो है में हम बहुत ज्यादा लैक कर रहे हैं, और वो मैनेजमेंट सही ना होने की वजह से हम अल्लाह ताला की नेमतों को जो है हमारी आबादी की बेनिफिट के लिए जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो इसमें जो है वो आज से अगर हम ये अहद करें कि हम अपने कामों को जो है अच्छे तरीके से करेंगे तो वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान जो है वो एक जो है वो एक सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्लेयर जो है ना बन सके, और आपने देखा होगा सबको पता है माशाल्लाह मैं सबको देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ नेशंस को हम देखते हैं, जापान में का अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमारे दोस्त जो हैं वो यूसुफ जापान वाला वो कहते थे 1960s में वहाँ गए थे, उनका 1960s में ये हाल था जापानीज का कि वो जो है अपने जब वहाँ सर्दी होती है तो ऊपर का कोट पहनते थे और सिर्फ कॉलर पहनते थे, नीचे शर्ट उनके पास नहीं होता था, उसे ये दिखाने के लिए इन्होंने कोट के नीचे जो है शर्ट पहना, सिर्फ कॉलर होता था, नीचे शर्ट नहीं होता था, और उन्होंने ये 1960s के बाद से जो तरक्की की तो कुछ ही सालों के अंदर वो एक इकोनॉमिक सुपर पावर जो है वो बन गया, इसी तरह हमने UAE में देखा, UAE के कुछ पीरियड में, बल्कि हमें अभी भी दिखाया जाता है कि अरब जो है ऑयल फाइंड से पहले जो है वो इनको जो है वो पूरे तीन वक्त खाने का भी जो है इशू था, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें फर्टाइल लैंड भी दी है, सब कुछ दिया है वो दिया है, तो मैं जो कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें एतमाद होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास जो है वो बहुत अल्लाह ताला ने दौलत जो है वो दी हुई है, सिर्फ हमें मेहनत करके उसको कन्वर्ट करना है इन बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक।
जो इस वक्त हालात हैं, डेफिनेटली लोग जो है वो परेशान हैं, पर परेशान यूं हैं कि इस रीसेंट पीरियड के अंदर हमारे दो बड़े मसाइल जो है वो इमर्ज हुए। एक बड़ा मसला जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला जो है वो इमर्ज हुआ। करंट अकाउंट डेफिसिट जो आज से 2014 में जो है वो जीरो था, वो पिछले साल जो है वो 2018 में वो बढ़ के $20 बिलियन हो गया। वो $20 बिलियन का मतलब ये है कि एक साल के अंदर गवर्नमेंट को जो है वो $20 बिलियन जो है वो फॉरेन करेंसी जो है वो स्पेंड करनी पड़ गई। और आपको ये पता है बिल्कुल कि ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट मींस ये है कि रुपया तो गवर्नमेंट ये करती है या स्टेट बैंक ये करती है कि लोग एलसीज खोलने के लिए, रेमिटेंस करने के लिए स्टेट बैंक को रुपया देते हैं और उसके में वो रेमिटेंस बाहर डॉलर्स में करना चाहते हैं और डॉलर उसके एक्सचेंज में स्टेट बैंक जो है उन रुपयों के एक्सचेंज में डॉलर देता है और हमारी और मजीद जो है ऑब्लिगेशंस होती हैं। उसमें हमारे पास जो है वो शॉर्टेज है, उसकी वजह से हमारे रिजर्व्स पे जो है वो बहुत बुरा असर पड़ा। फिर हम बोरो करके उसको पूरा किया हमने डॉलर्स, तो जो बहुत अच्छी बात नहीं समझी जाती है और जो इन्वेस्टर्स को शाय करता है, बिजनेसमैन को शाय करता है कि ये पाकिस्तान कभी खुदा न खास्ता डिफॉल्ट न कर जाए। उस 2018 के बाद उसमें कुछ बेहतरी आई है। 2019 के अंदर आपने देखा होगा कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन से कम होके $13 बिलियन पे आ गया और जो करंट फाइनेंशियल ईयर है जिसको हम फाइनेंशियल ईयर 20 कहते हैं, उसके जो महीने हैं, दो महीने के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें और कमी आई है। और उम्मीद है कि जिस तरीके का रन रेट चल रहा है उसमें ये $7 या $8 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट पे आएंगे। और अगर ये मार्क हमारा पाकिस्तान के बारे में जो अपटिक होगा या जो बेहतरी नजर आएगी तो आई थिंक इन्वेस्टर्स भी आएंगे, तो ये और भी जो है वो कम हो सकता है। दूसरा बड़ा जो मसला है उससे करने के लिए एक और बात मैं कर दूं कि करंट अकाउंट डेफिसिट को हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, इस इशू को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। अगर हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, हमारी इम्पोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं और हम तकरीबन एक साल पहले जो है वो $32 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, मींस हमारी इम्पोर्ट और हमारे एक्सपोर्ट में $32 बिलियन का जो है फर्क था, इम्पोर्ट $32 बिलियन से ज्यादा थी। दूसरा जो हमारा सोर्स है जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज हासिल करते हैं और वो है रिमिटेंसेस। हमारे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, जो डायस्पोराज हैं, जो यहाँ हमारे पाकिस्तान से बाहर जाके जो है वो काम कर रहे हैं, वो अपने फैमिलीज को जो है रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो डॉलर भेजते हैं, उसके अगेंस्ट यहाँ उनकी फैमिली को रुपया मिलता है, तो वो डॉलर जो है हमारे रिजर्व्स को ऐड करने में जो है वो मददगार साबित होता है। लास्ट ईयर वो तकरीबन $22 बिलियन था, वो हर साल उसमें इंक्रीमेंट है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या है, मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है वो जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं उनकी सालाना इनकम $50 बिलियन से ज्यादा है। और मैं ये समझता हूं कि हर पाकिस्तानी ऑन द एवरेज जो नॉन रेजिडेंट है वो यहाँ अपनी इनकम का 50% फैमिली को भेजते हैं और 50% वो अपने पास रखते हैं। ऐसे भी लोग हैं कि जो अपनी इनकम का 90% भेज देते हैं, कुछ लोग जो है वो पूरा पूरा भेज देते हैं, कुछ लोग हैं कि बिल्कुल नहीं भेजते, लेकिन एवरेज जो है वो 50% है। फिर ये जो पैसे आते हैं 50%, इसमें एक अमाउंट तो बैंकिंग चैनल से आता है, दूसरा अमाउंट जो है हवालों के जरिए आता है। हवाले के जरिए होता है कि लोग बैंकिंग चैनल के जरिए वो पैसे नहीं आते, वो स्टेट बैंक को वो डॉलर्स जो है वो नहीं मिलते और वो लोग के जो यहाँ से कुछ पैसे बाहर भेज रहे होते हैं उनसे वो मैचिंग करके यहाँ, तो वो $7 से $8 बिलियन नॉन बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान में आते हैं। अगर वो बैंकिंग चैनल से पैसे जो है आने लग जाए तो हमारा ये मसला जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। दूसरा, गवर्नमेंट को ये हम समझाते हैं कि आप ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को जो है वो अट्रैक्ट करें, उनको अहमियत दें, उनको ये कहें कि बैंकिंग चैनल के जरिए, और उनको इनकरेज करें कि वो यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हालांकि जो है वो पाकिस्तान में रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी हाई, इसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान का एक
रिस्क परसेप्शन की वजह से जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ज्यादा रिटर्न भी नहीं लेते, होते तो कम रिटर्न बाहर जो है वो सेफ है, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानी अपना पैसा बाहर ले जाते हैं, तो वो जरूरत है कि उनको हम करें। दूसरा ये है कि हम कोशिश करें कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैदा करें, ताकि बाहर से हमें इम्पोर्ट जो है वो कम से कम करना पड़े, ताकि हमारा फॉरन एक्सचेंज ऑब्लिगेशन जो है वो कम से कम हो। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा मसला है वो हमारा है बजट डेफिसिट, और बजट डेफिसिट आप ये जो कर्जा आप सुनते हैं कि हर साल बढ़ जाता है, ये कर्जा ही होता है कि हमारे बजट के अंदर जो है वो हम हमेशा गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट को फाइनेंस करती है, एक सर्टेन परसेंटेज आपको पता है कि वो रेंज करता है 4% to 7% 8% ऑफ GDP, जो तकरीबन जो है वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज जो है वो 1300 बिलियन से लेके 2700-2800 बिलियन रुपीस बनता है। इसका मतलब हर साल जो है हुकूमत बजट को बैलेंस करने के लिए 1300 बिलियन से 28 बिलियन तक का कर्जा लेती है। तो अब वो जो ये पॉलिटिकल लीडर्स बात करते हैं कि हमने इतना कर्जा लिया, उसने इतना कर्जा लिया, मैं अक्सर कहता हूं कि कोई भी जो है आएगा उसको कर्जा जो है वो लेना पड़ेगा, अगर वो अच्छा कोई करेगा तो वो 1300 बिलियन 1400 बिलियन के करीब होगा, जो बुरा करेगा तो 27-28 बिलियन करना होगा। तो उसके लिए डेफिनेटली ये जो मसले का हल है, यानी अब ये जो ये सिनेरियो है, जो ये चैलेंज है, ये चैलेंज कोई पूछता है पाकिस्तान इस मसले से कैसे निकलेगा, यानी अगर पाकिस्तान हर साल ये ऑन दी एवरेज 1500-2000 बिलियन का कर्जा बढ़ रहा है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है, तो ये मसला तो दिन ब दिन खराब होता जाएगा जो नजर आता है, लेकिन ये कैसे निकल सकता है, वो उसका हल जो है वो ये हो सकता है कि हम अपने GDP की ग्रोथ को जो है वो तेज करें। GDP ग्रोथ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक रीजनेबल रहा है ऑन दी एवरेज, लेकिन वो बड़ा वोलेटाइल रहा है, कभी वो 2-2.5% पे आ जाता है, फिर हम 5-6% पे जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वो 1-2 साल से ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाता, और फिर ये कि वो जो है हम फिर जो है वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम सारे जो आशार्य दुनिया भर में तमाम हुकूमतें बोरो करती हैं, चाहे अमेरिका हम सुनते हैं कि अपनी GDP का से भी ज्यादा का बोरो किया हुआ है, जापान 110% ऑफ GDP, हम 82% ऑफ आवर GDP हमारा कर्जा है, लेकिन चूंकि वहां इंटरेस्ट रेट कम है तो उनकी सर्विसिंग जो है सर्विसिंग कॉस्ट जो है वो कम होती है, तो वो उस चीज को जो है सस्टेन कर जाते हैं। हमारे लिए मुश्किल होता है इस साल सिर्फ हमें जो हमारा कर्जा पाकिस्तान ने लिया हुआ है, पाकिस्तान के कर्जे का, उसको सिर्फ सर्विस करने के लिए उसका इंटरेस्ट 2800 अरब रुपए है, तो 2.8 ट्रिलियन जो है वो हर साल हम सिर्फ कर्जे का सूद अदा करते हैं, तो वो कर्जे का सूद अदा करना फिर हमारा ही, तो ये इसको हम ओवरकम जब कह सकते हैं कि हमारा GDP का साइज बढ़े, और GDP का साइज कैसे बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़े, और इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बढ़ेगी कि हमारे यंग लड़के भी काम करें, लड़कियां भी काम करें, हम ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा प्रोड्यूस करें चीजें, एग्रीकल्चर में बहुत जो है वो अपॉर्चुनिटी है, और एरियाज में भी अपॉर्चुनिटी है, जब हम अपनी साइज को बड़ा करेंगे तो फिर ये सारे जो कर्जे और डेट सर्विसिंग और ये सब और डेफिसिट ये सब सस्टेनेबल लिमिट में आ जाएगा। अभी अनसस्टेनेबल लिमिट में है, जिसकी वजह से ये खतरनाक हद से बढ़ गया, उसको जो है वो कम करने के लिए अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो ये था एक शॉर्ट जो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन अभी और उसका क्या जो है वो सॉल्यूशन होगा, और उसके लिए जाहिर है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो चेंज ऑफ गवर्नमेंट है उसकी कॉस्ट आती है काफी। जब भी हमने देखा है कि गवर्नमेंट जाती है और दूसरी आती है तो वो हमें डिस्टेबलाइजेशन नजर आता है, तो वो कहती है कि हमने इतना काम कर लिया, फिर उसके बाद वो डिस्टेबलाइजेशन होती है, और फिर वो कहते हैं कि जो काम वो खराब कर गए हैं उसको ठीक करने में वक्त लगेगा, बाय द टीम उसको ठीक करने की वो क्लेम करते हैं उनका टेन्योर जो है, तो हमें इस चीज का भी इंतजाम करना पड़ेगा कि ये चेंज ऑफ गवर्नमेंट है वो हमारी इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज ना करे, और ये कैसे डिस्टेबलाइजेशन नहीं होगा कि कम अज कम इकोनॉमिक पॉलिसीज पे तमाम का जो है वो कंसेंसस हो, तमाम पार्टीज का वो एक साथ बैठे और कहें कि ये इकोनॉमिक पॉलिसीज में हम पॉलिटिक्स जो है वो नहीं करेंगे, उससे आई बिलीव के ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने में जो है वो मदद हासिल होगी।
कंसिस्टेंसी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज की आपने बहुत अच्छी बात की कि जब गवर्नमेंट्स का ट्रांसफर हो या दूसरी गवर्नमेंट्स नहीं आए तो आई थिंक इकोनॉमिक फ्रंट पे वो बेसिकली पॉलिटिक्स ना करें और उसको बेसिकली कंसिस्टेंस रहने दें। सर आपका इतना डेकेड्स का एक्सपीरियंस रहा है स्टॉक एक्सचेंज का और माशा से आपकी इतनी ग्रिप है स्टॉक एक्सचेंज पे, सेक्टर्स पे, कंपनीज पे, तो उस पर क्या हमारे यूथ को आप गाइड करेंगे, कौन से सेक्टर आजकल ऐसे हैं स्टॉक एक्सचेंज के जिनमें आपको लगता है कि ग्रोथ है और जो हमारे लिए बेहतर है? जी आई थिंक ये जिस किस्म की यहाँ ऑडियंस बैठी हुई है उस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि चार सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिसमें ये यूथ जो है वो इमीडिएटली इंटर कर सकती है। मैं देखकर मुझे अंदाजा होता है कि यहाँ प्रोफेशनल्स भी मौजूद हैं, एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, इंटरप्रेन्योर्स भी मौजूद है, उन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जो इंटरप्रेन्योर्स की है, और आपको तो पता है कादर मेरे साथ बोर्ड पर हैं, जावेदान जो माशाल्लाह इनका बड़ा जो है वो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन रहता है उसके, तो उसमें जो जो ये यंग जनरेशन है वो चार एरियाज को मैं समझता हूँ कि उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, और मेनी टाइम मैं ये समझता हूँ कि बगैर बहुत बड़े कैपिटल के भी आप जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं या आप अपने आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और अच्छा परफॉर्म क्या है कि आपका नॉलेज जो है, और आपने सुना होगा कि जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल की बहुत ज्यादा जो है वो अहमियत है। जब बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास माली वसाइल बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन उनके पास जो है वो ह्यूमन रिसोर्स की कमी होती है या वो इतना ज्यादा बिजनेस को अकेले हैंडल नहीं कर पाते, तो दे नॉर्मली लुक फॉर गुड प्रोफेशनल्स, और ये जो प्रोफेशनल्स हैं वही मेनली बड़े बिजनेसेस को चला रहे होते हैं, और उसमें जो बिजनेसेस हैं उसमें जो प्रोफेशनल्स हैं और नए नए बिजनेस सेटअप करते हैं तो ये मार्केट में ये रिवाज है कि वो अपना वर्किंग पार्टनरशिप के तौर पर जो है वो शामिल होते हैं बिजनेसेस में। एक इन्वेस्टर है जो अपने कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रोफेशनल है वो अपना इंटेलेक्चुअल कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, और वो फिर एक बिजनेस में ज्वाइन करते हैं और उसको जो है वो डेवलप करते हैं, और इस तरह बहुत सारे हमारे अपने बिजनेसेस हैं कि जिसमें हमने अपने प्रोफेशनल्स को इनवाइट किया, उन्होंने उस बिजनेस को डेवलप किया, उनको हमने वर्किंग पार्टनरशिप दी एंड दे मेड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज आउट ऑफ दिस एक्टिविटी। तो मैं इनकरेज करूंगा तमाम अपने साथियों को, अपने यंग जनरेशन की जो मेंबर्स हैं, कि वो अपना नॉलेज जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, जिसकी किसी सेक्टर में भी हो, जिसमें आपकी दिलचस्पी हो उसमें अपना आप जो है वो नॉलेज बढ़ाएं, और नॉलेज इज पावर, नॉलेज की वजह से जो है वो आपको जो इन्वेस्टर्स हैं वो लाइक टू मेक यू पार्टनर इन वेरियस बिजनेसेस इनिशियली एट ए स्मॉलर स्केल, फिर आप जो है उसको ग्रो करेंगे और करेंगे। तो मैं जो आपने सवाल किया ये स्टॉक एक्सचेंज में, बट इनके लिए मैं चार सेक्टर्स को जो है आइडेंटिफाई करूंगा। आई थिंक आईटी सेक्टर जो है, आईटी सेक्टर में यंग बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और न सिर्फ वो अपने लिए ज्यादा जो है वो बेहतर कर सकते हैं, मुल्क के लिए भी बेहतर कर सकते हैं। इंटरनेशनली जिन्होंने आईटी को एज ए इंडस्ट्री जो है वो परसू किया, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपोर्ट में एक्सेल किया। अभी मुझे बता रहे थे कि इंडिया का मिसाल तो हमारे पास है ही, लेकिन फिलीपीन का मिसाल मुझे उसके कौंसल जनरल बता रहे थे कि फिलीपीन का जो आईटी का एक्सपोर्ट है वो 3 साल पहले $3 बिलियन था, सर $3 बिलियन था, 3 साल में वो $3 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है वो $30 बिलियन हो गया 3 साल के अंदर। तो मैंने तो उनको कहा पॉलिसी मेकर्स को, मैं अगर होता तो मैं वहां फिलीपीन में जाकर बैठ जाता, और मैं बैठ जाता और कहता कि भाई हमें बताओ यार क्या मॉडल है, वो मॉडल हम एडॉप्ट कर लेते। तो आई थिंक इसमें जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल का बड़ा रोल है, इसमें एचआर का बड़ा रोल है, इसमें आपके पढ़े लिखे जो लोग हैं, आपकी ट्रेनिंग है, आप लोग सब लोग आईटी जो है वो की एजुकेशन लेते हैं, उसमें आप इंटरनेशनल मॉडल्स स्टडी करें और वहां जो है वो जाएं, और मैं समझता हूं कि उसमें डेफिनेटली हमारे यहाँ कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन इसमें और ज्यादा काम करने की
जरूरत है. उसमें हमारे पास आबादी और दुनिया में ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों की इंग्लिश स्पीकिंग एक्सेंट है ये रीजन में सबसे अच्छी है. मतलब इवन इंडियन से भी पाकिस्तानी की जो है एक्सेंट आप फिलीपींस करेंगे तो हमारे बच्चों की और हमारे यंग जनरेशन की जो इंग्लिश स्पीकिंग एक्सेंट है इज बेस्ट इन द रीजन. तो इसका फायदा हमें जो है वो उठाना चाहिए. दूसरा जो एरिया जिसमें कि मतलब ये है कि आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं वो जो आपने कहा कि कैपिटल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनी में भी जो इन्वेस्टमेंट के राइट डिसीजन जो है वो पैसों से नहीं आते, वो आपके जो है वो दिमाग से आते हैं. वो आपका नॉलेज जितना आपने ज्यादा अच्छा हासिल किया होता है उसमें अगर आपने इकोनॉमी को आप अच्छा जानते हैं, आप अगर इंटरनेशनल इवेंट्स को फॉलो कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल इकोनॉमीज को जो है वो स्टडी करते हैं, फिर आप मुख्तलिफ सेक्टर्स को स्टडी करते हैं और फिर आप लोकल एनवायरनमेंट को जो है वो स्टडी करते हैं कि किस तरीके से जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं. तो उस सेक्टर्स में क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, फिर वो कंपनीज के बारे में नॉलेज और कंपनीज की मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज, उनकी अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी के बारे में नॉलेज आपको एक अच्छा जो है वो क्लू देगी, एक अच्छा आपको डायरेक्शन देगी कि आप जो है वो कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहाँ जो है वो एग्जिट कर जाना चाहिए, या आप इस पोजीशन में होंगे कि आप और लोगों को एडवाइस कर सकें. फॉर एग्जांपल बिजनेस स्कूल्स में आपको पता होगा कि लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं, बच्चे वो ग्रुप बना के वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनसे उनकी एक ट्रेनिंग होती है. और हमारे जो ब्रोकरेज हाउसेज और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिविजन है वहां भी ये सारे बिजनेस स्कूल के क्वालिफाइड लोग जो है वो आके आजकल ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जो है वो बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो आप जो यंग लोग बैठे हुए हैं अपना नॉलेज अच्छा करके बढ़ के उसको अच्छे तरीके से फॉलो करें तो आई थिंक वो भी आपके लिए एक एरिया. और आपने तीसरा जो आई थिंक एरिया है कि जिसको और खासतौर पर वो पाकिस्तान में उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और वो एरिया है रियल इस्टेट डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन या रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट. रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बहुत अच्छे रिटर्न जो है का रिकॉर्ड है उनका. इसी तरह ये कैपिटल मार्केट का भी जो है वो अगर आप लॉन्गर टर्म में देखेंगे तो रिटर्न का ट्रैक रिकॉर्ड रीजन में सबसे अच्छा है इन डॉलर टर्म्स. हालांकि हमारा डिवेल्यूएशन भी हो जाता है, इसके बावजूद जो है अगर हम नंबर्स को देखेंगे 20 साल और 25 साल का एवरेज निकालेंगे तो पाकिस्तान में जो है कैपिटल मार्केट के रिटर्न्स आर हाईएस्ट इन द रीजन और इतने होने के बावजूद उनके जो वैल्यूएशंस आर वेरी लो एट दिस मोमेंट. इसी तरह रियल एस्टेट में भी जो है वो रिटर्न्स का ट्रैक रिकॉर्ड इज वेरी हाई और उसमें आप जो है नॉर्मली ऐसा लोग करते हैं कि जो बिगिनर्स हैं वो ये करते हैं कि एक प्लॉट की इन्वेस्टमेंट उन्होंने मोबिलाइज की और उसकी डेवलपमेंट की, छोटे छोटे मकान जो है वो बनाए और फिर मकानों को बाद में जो है वो सेल कर दिया. जब वो सेल करते हैं तो उनको उस कंस्ट्रक्शन पीरियड की जो भी उसमें एप्रिसिएशन है वो मिलती है, बल्कि जो लैंड वैल्यू में भी जो एप्रिसिएशन है वो भी मिलती है और उनको मतलब एक उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और उनको सारे साइकिल भी जो है समझ में आते हैं. जकरिया मेहंती साहब बैठे हुए, मेरे ख्याल है वो इंडोर्स करेंगे इसको कि ये इज ए गुड अपॉर्चुनिटी और बहुत सारे लोग इसको जो है वो अवेल करते हैं. चौथा एरिया आई थिंक पाकिस्तान के निस्बत से है वो एग्रीकल्चर है. एग्रीकल्चर में भी जो है वो जब हमने उसको स्टडी किया है तो बहुत अच्छे मॉडल्स जो है वो अवेलेबल हैं. बहुत सारे जो जिनके पास के इन्वेस्टमेंट फंड्स अवेलेबल हैं वो जमीन खरीदते हैं, वो फिर उसके पास मैनेजर्स लगाते हैं, उसके वो वहाँ सारे वाटर वगैरह का इंतजाम करते हैं और फिर जो भी और फिर ये हारियों के साथ जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं. तो जो भी फिर प्रोडक्ट बन आती है उसका एक शेयरिंग होती है कि हारियों का इतनी शेयरिंग होगी, इन्वेस्टर का इतना होगा, मैनेजर का जो है वो इतना होगा. तो और इसमें अगर आप कॉर्पोरेट फार्मिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो आप मैनेजर बन सकते हैं उसमें,
मैनेजर अगर आपकी कॉर्पोरेट फाइनेंस कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है वो आप इनिशिएट करेंगे तो आप फिर स्केल आपके पास अगर आ जाएगा तो स्केल आ जाएगा तो आपके पास जो है मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह आप एजुकेटेड हैं पढ़ते हैं दुनिया के मॉडल्स को आप स्टडी करते हैं तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर का जो है वो पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल हम कॉटन जो है हमारी अपनी कंजम्पशन डिमांड है 15 मिलियन बेल्स, हमने लास्ट ईयर 10 मिलियन किया, इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15 है लेकिन हम कहते हैं कि वो कम होगा, उसको अगर हम बढ़ाएं तो हम वो तो मतलब जमीन से सोना निकलता है, जमीन से निकलता है, मतलब कहते हैं कि अभी हमने अगर 50 लाख गांठे कम की तो उसका मतलब $1.5 billion जो है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज में बाहर चले जाएंगे। हम ये अगर हम बना लेते 50 लाख ज्यादा तो $1.5 billion हमारे से होते और ये 1.5 billion तमाम फार्मर्स को जो है वो मिलते। इसी तरह राइस जो है वो हमारे कमोडिटी प्रीमियम कमोडिटी है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वीट कमोडिटी है, शुगर केन, शुगर हम मतलब अगर शॉर्ट हो जाता है तो इम्पोर्ट करना पड़ता है और अगर सरप्लस है तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। और इस तरह दूसरे और उसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स हैं कि जिसमें आई बिलीव कि ये अपॉर्चुनिटी है कि यंग लोग बिगिनर्स इसमें जाके अपने आप को जो है वो इन्वॉल्व करें और इन्वॉल्व करके वो इन्वेस्टमेंट को भी मोबिलाइज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को मोबिलाइज कर सकते हैं और उसको जो है वो अपने लिए भी बेहतरी का बायस होगा और मुल्क के लिए भी जो है बेहतरी का बायस होगा। इसके अलावा जाहिर है दूसरी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए जो है वो लार्ज कैपिटल की जरूरत होती है। तो जब आप ये इन चीजों से गुजर जाएंगे तो फिर जो है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि फिर आप और ग्रेजुएशन चाहेंगे तो ग्रेजुएशन में फिर आप सीमेंट यूनिट भी लगाएंगे, आप स्टील यूनिट भी लगाएंगे, फर्टिलाइजर यूनिट भी लगाएंगे और दूसरे भी जो बड़े काम है, माइनिंग का काम है, माइनिंग का काम भी उसके अंदर जो है वो ज्यादा रिस्क होता है तो उसके लिए लार्ज कैपिटल की जो है वो जरूरत होती है। इन तमाम बड़ी चीजों में भी और इन चीजों में भी एज ए प्रोफेशनल भी आप अपना करियर जो है वो परसू कर सकते हैं। एज ए प्रोफेशनल जो है आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी भी कंपनी के साथ, बड़ी कंपनी के साथ आप उनके सिस्टम में भी एज ए प्रोफेशनल ज्वाइन करेंगे, आप सैलरी पे होंगे, आपको बोनसेस भी मिलेंगे अगर आप अच्छा परफॉर्म जो है वो कर रहे होंगे तो वहां भी जो है उन अपॉर्चुनिटीज को जो है वो अवेल कर सकेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि हैव फेथ इन पाकिस्तान, वर्क हार्ड फॉर पाकिस्तान एंड आई बिलीव यू विल बाउंड टू सक्सीड। सर हमने आपके ग्रुप में, आरएफ ग्रुप में देखा है इतने सारे प्रोफेशनल्स, इतनी सारी कंपनीज, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग रन कर रहे हैं, आप एज एन ओनर क्या देखते हैं कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आप देखते हैं कि जो नए आने वाला अपकमिंग टैलेंट है जो लैक करता है, जो शायद हमारा मेमन यूथ अगर वो एज ऑफ दिस एज अगर उन चीजों को डेवलप कर ले तो उसमें वो सक्सेसफुल हो सकते हैं? हाँ देखिए, ज्यादातर जो मेमन्स है ना, मेमन्स में एंटरप्रेन्योरशिप का डीएनए है, कुछ भी हालात हो वो मतलब ये है कि आप दुनिया भर में, शेख भाई ने जिक्र किया, शेख उस्मान साहब ने, कि हम दुनिया में हर हिस्से में मौजूद हैं, मतलब हम इंडिया से भी इधर से माइग्रेट होके आए तो यहाँ भी हमने अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह सेट कर लिया और जहाँ भी हम जाते हैं तो हम एक अपना प्रेजेंस जो है वो फील कराते हैं। वो फील इसलिए कराते हैं कि हमारे यहाँ इवन अब तो माशाल्लाह जितनी यंग जनरेशन है पढ़े लिखी है, लेकिन पहले पढ़े लिखी नहीं भी होती थी लेकिन उनके अंदर जो है एंटरप्रेन्योरशिप का इंस्टिंक्ट होता था। मतलब ये कि अहमद दाऊद एक दफा उनसे किसी ने उनको ऑनर कर रहे थे तो अहमद दाऊद ने आके उस मॉडरेटर ने उनसे उनको इंट्रोड्यूस कराया कि अहमद दाऊद साहब हैं और ये अहमद दाऊद साहब जो है पढ़े लिखे नहीं है, अगर ये पढ़े लिखे होते तो क्या होते। तो उन्होंने उसको उससे माइक लिया और अहमद दाऊद ने कहा कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो अहमद दाऊद की नौकरी कर रहा होता। तो मतलब ये है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक जो है वो इंस्टिंक्ट है, उसमें पढ़ा लिखा हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये स्टॉक एक्सचेंज में भी हम देखते हैं कि जो तजर्बेकार लोग थे पहले शुरू में पढ़े लिखे नहीं थे तो दे वर डूइंग बेटर, जब वो नए नए पढ़े लिखे लोग आए थे तो उनको स्ट्रगल कर रहे थे, उनको जब तजर्बा भी हो गया
और उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड थी तो वो बहुत ज्यादा आगे निकल गए, जो पढ़े लिखे नहीं थे उनसे आगे निकल गए। तो पढ़ा लिखा होना भी जो है, तो मैं हमारी कम्युनिटी को जो है वो, और हमारी कम्युनिटी में प्रोफेशनल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे, हमारे नामी डॉक्टर्स आपको मिलेंगे, नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलेंगे, हमें बहुत ही जो है वो इस किस्म का प्रोफेशनलिज्म भी मौजूद है। तो मैं जब ये हमारी अरसलान और उनकी टीम आई थी तो हमने यही उनको कोशिश की, मैंने एडवाइस करने की कि आप री इन्वेंट ना करें चीजों को, आप जो चीजें अवेलेबल हैं और उसी को अवेल करने की कोशिश करें। फिर उनको कह रहे थे कि माइक्रो फाइनेंस बैंक मुझे हमें बनाना है, तो मैंने उनको कहा माइक्रो फाइनेंस आप ना बनाएं, जो बनी हुई है उनसे आप इस्तेफादा हासिल करें और आप ऑर्गेनाइज करें कि आपके जो मेंबर्स हैं, आपके कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो उन माइक्रो फाइनेंस बैंक से किस तरह इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो मैं ये इंकरेज करूंगा कि हमारे बच्चे और बच्चियां जो है वो पढ़ाई पे जो है वो बेशक बहुत तवज्जो दें, और इसमें आईटी है, बिजनेस है और डिसिप्लिन इंजीनियरिंग वगैरह में भी जो है काम कर रहे हैं, उसको तो जो है वो आई थिंक ना छोड़ें। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं देख रहा हूँ कि हमारी कम्युनिटी में एक वक्त में इतना ट्रेड नहीं था पढ़ाई का, अब पढ़ाई का ट्रेड जो है वो ज्यादा आने लगा है। हमारे जो पुराने ग्रुप्स हैं, मेमन ग्रुप्स, उनमें भी उनके नए बच्चे जो आ रहे हैं वो माशाल्लाह एजुकेटेड हैं और बड़ा अच्छे तरीके से उसको चीजों को जो है वो मैनेज कर रहे हैं। और उसमें आई बिलीव कि अगर वो अपने आप को डेवलप करेंगे, और डेवलप जो है वो डेफिनेटली आप पढ़ाई करके आपके लिए लाइवलीहुड का भी वो जरिया है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये कहना है कि भाई मुझे कंट्री के लिए जो है कुछ ऐसा काम करके अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना, तो आई बिलीव कि इंशाल्लाह जो है वो आप एक्सेल करेंगे। मेमन कम्युनिटी फुल ऑफ आइडियाज है, आइडियाज उनके पास जो है वो कमी नहीं है, हर सिचुएशन को वो डील करने के की काबिलियत रखते हैं। तो मैं बहुत ही एक ब्राइट फ्यूचर हमारी कम्युनिटी का देखता हूँ। चलिए सर, थैंक यू सो मच आरिफ साहब फॉर दीज वंडरफुल वर्ड्स। आई थिंक आपके एडवाइस हमारे यूथ के लिए और हम सब के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी सर। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन सर। थैंक यू वेरी मच।